कैमरा पीछे हो, पीछे हो। Thank you.
यार तो मना ही करता है।
जल्दी कितना पसंद करती हैं आप?
ज्वेलरी बहुत पसंद करती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद पहनती हूँ। नूटन दास के पास से भी काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदी है मैंने। आई इन्जॉय वेयरिंग इट एंड एन्जॉय डिज़ाइनिंग इट टू। ज्वेलरी भी अलग अलग टाइप की होती है, किसी खास टाइप की ज्वेलरी पसंद करती है? मुझे आई थिंक क्लासिक ओल्ड वर्ल्ड रॉयल टाइप की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है। मुझे पोलकी बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉलिटेयर्स आर ऑलवेज फन एंड ऑलवेज क्लासिक, सो दे रिमेन इन माई क्लोजेट फॉर एवर। और yeah, that's what I actually really like. And gold, I like the yellow metal, so I like gold. Yara Silly Silly is releasing 7th of November. So, bas do hafte mein film release ho rahi hai. Please go see you at the movies. Thank you. Bolna. Awaaz de. Na na ma'am. Bhai saab, awaaz de. Gaadi aa jayegi to auto dal. Chalega. मैम ज्वेलरी कितना पसंद करती है आप लाइफ? देखिए, मैं एक नॉर्मल औरत हूँ, नॉर्मल औरतों को ज्वेलरी बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स आई एंजॉय ज्वेलरी, बट मैं बहुत ऑब्सेस नहीं हूँ उससे। मैं मतलब ऐसी फन ज्वेलरी भी पहनती हूँ जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कहती है, और रियल ज्वेलरी तो ऑफकोर्स सब औरतों को पसंद है। एंड आई थिंक इंडियन ज्वेलरी दुनिया की सबसे खूबसूरत ज्वेलरी है, क्योंकि हमारा जो कारीगरी है, चाहे वो मीनाकारी हो, कुंदन हो, जड़ाऊ, ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। और ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट होता है ज्वेलरी परचेज करने में, जो कस्टमर परचेज करता है, कोई भी परचेज करता है, ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेरे लिए ब्रांड इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी इम्पॉर्टेंट है। बट यही होता है कि जब ब्रांड होता है तो आपको ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। इनफैक्ट मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग माय ओन ब्रांड पूनम ढिल्लन लाइन ऑफ ज्वेलरी, पर वो फन ज्वेलरी होगी जो मतलब लाखों रुपए की नहीं होगी, और आपको लॉकर में दबा के नहीं रखनी पड़ेगी, आप पहन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं। तो मुझे लगता है आजकल वही फैशन है कि आप फन ज्वेलरी पहने, आपको अपनी वैल्यू सिर्फ अपने गहनों से दिखाने की जरूरत नहीं है। और कब तक लॉन्च करने वाली है ब्रांड की बात की आपने? इंशाल्लाह वेरी सून। आपको ना मैम दिवाली आ रहा है, तो क्या कुछ प्लानिंग है फैमिली के आपके? भी देखिए, दिवाली मेरे हिसाब से फैमिली का ही फेस्टिवल है, तो मैं बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करती हूँ। बट मैं एक्चुअली 3 हफ्ते के बाद आ रही हूँ आउट ऑफ टाउन, तो अभी कुछ प्लान नहीं किया है, अभी दिवाली की प्लानिंग शुरू होगी। हाँ, सभी देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू। यार तो हमने से मना ही करता है यार। वो बाइक नहीं दिखा।